सिलक्यारा टनल हादसे में आए दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं। सुरंग के अंदर से मजदूरों को निकालने के लिए आज सुबह इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन भी उत्तरकाशी पहुंच गई। आपको बता दें कि देहरादून से लाई जा रही रेस्क्यू मशीन को लाते वक्त हादसा हो गया। ट्रक में वर्टिकल ड्रिलिंग की बैकअप मशीन रखी थी, इसमें ट्रक ड्राइवर की हालत भी गंभीर हो गई है। बता दें कि बीते दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन रहा। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा के अनुसार अब राहत और बचाव कार्य में तेजी आ रही है। अब मजदूरों को बचाने के लिए रोबोट्स की तैनाती होगी ताकि वे सुरंग की छत और मलबे का निरीक्षण कर सकें। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी अनुराग जैन ने कहा है, अंदर फंसे मजदूरों को मल्टीविटामिन, ड्राई फ्रूट्स और एंटी डिप्रेशन दवाएं दी जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच टनल के बाहर 6 बिस्तरों वाला एक अस्थायी अस्पताल भी तैयार किया गया है। टनल से मजदूरों के निकलने के बाद उन्हें तुरंत मेडिकल सुविधाएं मिल सके, इसलिए टनल के बाहर 10 एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। दरअसल डॉक्टरों ने सलाह दी है कि टनल से निकलने के बाद श्रमिकों को मानसिक शारीरिक मार्गदर्शन की जरूरत होगी। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय तक बंद जगह पर फंसे रहने के कारण पीड़ितों को घबराहट का अनुभव करना पड़ रहा होगा। पहले मोर्चे की जिम्मेदारी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड उठाएगा। वे सुरंग के ऊपर 120 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी वर्टिकल सुरंग के लिए खुदाई करेंगे। दूसरे मोर्चे की कमान नवयुगा इंजीनियरिंग संभालेंगी। वे फिर से लगभग 60 मीटर लंबाई की सुरंग की खुदाई करेंगे। तीसरा मोर्चा THDC संभालेगी। मजदूरों के परिजनों में चिंता और भय का माहौल देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करके आज इस मामले का संज्ञान लिया है।